हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा जानना चाहते हैं कि सर, HAU BSc एग्रीकल्चर के एडमिशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं एंड एक्सपेक्टेड पेपर कब तक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है और आपके फॉर्म कब तक निकल सकते हैं अगर आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कुछ मैं रेफरेंसेस दूंगा पुराने ईयर के, जब तक कोविड नहीं आया था, कि तब कैसे आपका एग्जाम होता था, किस डेट को आपका एग्जाम होता था। तो ये आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड एडमिशन डेट की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि आपके एडमिशन एक्सपेक्टेड कब तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप HAU BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर, 6 ईयर, VLDA, BFSC अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे पीछे जो लगा हुआ है ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस 2019-20 का जो है एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। 2019-20 यानी कि जब 20 में एडमिशन हुए, जब प्रोस्पेक्टस आया था तब कोविड नहीं आया था इतना ज़्यादा, तो ये नॉर्मल डेट्स हैं जो हर साल पहले होता था। तो इनको देखने से ये पता लगता है कि जब तक कोविड नहीं आया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका 29 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते थे। ये 2019 का है भाई, 19-20 का, यानी कि अगर आपने 20 में एडमिशन लेना था तब का ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है बिल्कुल HAU द्वारा। तो ये जो है 29 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 2020 सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जी कहोगे कब तक फॉर्म फिल किए गए, तो फॉर्म फिल अगर हम बात करें 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब यहां से यही पता लग रहा है कि अप्रैल में आपका जो है, अप्रैल लास्ट में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो गए, उसके बाद लास्ट मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, लास्ट डेट थी लास्ट डेट। अब एग्जाम की बात आती है भाई, तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का एग्जाम जून में होता था, यानी कि जैसे ही मई में आपका, जून के लगभग आप देखोगे तो यहां पे डेट दिखाई दे रही है 8 जून, यानी कि जून में हो जाता था। लास्ट डेट के बाद 15 दिन बाद ही आपका एग्जाम हो गया, तो जो आपकी लास्ट डेट होगी उससे 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, 20 दिन के बाद। हाँ, अगर आप 6 ईयर की बात करेंगे तो इनका जुलाई में हुआ था, 7-7 जुलाई को, तो एक का जून में हुआ तो 6 ईयर वालों का जुलाई में हुआ था भाई, 6 ईयर वालों का जुलाई में हुआ था और इनका जून में हो गया था, लगभग एक महीने का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद बीएससी कम्युनिटी साइंस का भी जुलाई में ही हुआ था। तो कहने का मतलब नॉर्मली फॉर्म जो है ना अप्रैल लास्ट तक निकल जाते थे, मई तक फॉर्म फिल हो जाते थे, जून जुलाई में आपका पेपर हो जाता था, बट ये था कोविड से पहले की सिचुएशन। अब कोविड के बाद तो कोई एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ आइडिया लगता ही नहीं है कि कब कोविड की कौन सी लहर आ जाए, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो अभी तक कोई ऐसी लहर दिख नहीं रही कि कोविड की आएगी, हालांकि कुछ केसेस बढ़े जरूर हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही लगता है कि जो है इस बार कोई ज़्यादा इतना अफेक्ट करने वाला नहीं है कोविड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पहली बात तो यह है कि हरियाणा बोर्ड जो है आपका, उसके 10th और 12th के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल जो होता है लगभग उसी के हिसाब से अप्रैल अभी चल रहा है और अप्रैल में पेपर उनके कंप्लीट हो गए हैं, तो फॉर्म 29 अप्रैल से निकले, तो हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आएगी CBSE वाले बच्चों के लिए, जो भी CBSE बोर्ड में है, तो 10th वाले बच्चों के एग्जाम लगभग होंगे 18 मई को कंप्लीट एंड 12th वालों के एग्जाम कंप्लीट, अगर आपके पास PCB है तो 30 मई को कंप्लीट होंगे एंड अगर आपके पास PCM है तो 7 जून को आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे। तो देखिए, ऐसा लगता है, वैसे HAU क्या बोलती है भाई, आपका 12th पास होना चाहिए आप, लेकिन अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। PAU में कई बार, पिछली बार PAU में ऐसा ही किया था कि उन्होंने जो 12th अपीयर्ड है या जो 10th अपीयर्ड है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बाद में उनके मार्क वगैरह अपडेट करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे 18 मई के खत्म होंगे एंड ये रहा, अगर इनको भी कंसिडर करती है HAU,
है ना, जिसकी पॉसिबिलिटी 50-50 मान सकते हो, हो सकता है कि वो कंसिडर कर भी ले, हो सकता है कंसिडर ना भी करें। तो मुझे एक्सपेक्टेड ऐसे लगता है, भाई ये मेरा मानना है, हो सकता है कि ये गलत हो, हो सकता है ये बिल्कुल सही भी हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ना वो अभी मई लास्ट में हो सकते हैं, है ना। लास्ट जो मई होगा, मई का लास्ट वीक होगा, वहां पे आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे 29 अप्रैल था, हो सकता है 25 मई से 22 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं। तो मई लास्ट में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10th सीबीएसई वालों के तो पेपर हो जाएंगे एंड मोस्टली जो है नियर अबाउट 12th वालों के भी एग्जाम होने को होंगे। तो जो पेपर आपका हो सकता है, देखिए अगर मई लास्ट में आपका फॉर्म निकलते हैं तो 25 जून तक तो आपके फॉर्म भरवाएंगे मान लेते हैं, तो जून में फॉर्म भरवाए उसके 15 दिन के बाद ही आपका पेपर हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट ये रहेगी स्टूडेंट आपका इस बार, एक्सपेक्टेड है ये सब, कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन यही रहने वाला, इससे ज्यादा लेट होगा नहीं इस बार, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में आपके पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है, 4 ईयर का भी, 6 ईयर का भी, BFSC का भी, कम्युनिटी साइंस का भी। तो ये एक्सपेक्टेड डेट मुझे लगती है कि मई लास्ट में आपके फॉर्म निकल जाएंगे, है ना, एंड पेपर होने की संभावना है जुलाई में। ज्यादा प्रायोरिटी है कि जुलाई लास्ट में या फिर 1 अगस्त में आपके पेपर हो सकते हैं, क्योंकि पेपर होने के बाद भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है एडमिशन के लिए, काउंसलिंग होती है ना, एंड और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये थे जी एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक आपके HU के फॉर्म निकल सकते हैं, है ना, एंड कब तक आपका पेपर हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है। अब सारे बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हरियाणा बोर्ड वालों के पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, 25 अप्रैल से हमारा नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है 6 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, VLDA के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि CBSE वाले बच्चे भी उसी को ज्वाइन करें। उसका रीज़न ये है कि साइंस का पेपर देने जाओगे, साइंस के लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे। हम 6th-10th वाले बच्चों को मैथमेटिक्स के लेक्चर भी प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स के साथ, जिससे उसकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट होगी। एंड जो बच्चे 12th CBSE बोर्ड में है वो तो पक्का ही ज्वाइन करें 4 ईयर वाला, क्योंकि उनके तो सारी रिविजन हो जाएगी, वो 12th का पढ़ के चले जाएंगे उनके पेपरों तक, बाद में 11th का कर लेंगे, तो वो जरूर ज्वाइन करें। तो 25 अप्रैल से हमारे एक नए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूं, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भाई 25 अप्रैल से हमारे कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और एक हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेशनल लगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।